टिकट ना मिले तो मैं आजाद इलेक्शन लड़ा वैसा लेकिन और अल्हम्दुलिल्लाह नियाज का ये कितनी साबित करने जिन्हें मुजफ्फरगढ़ जो कहनी नहीं था सही का जवाब है 2018 था ना वो जो लोग ने जेब पे टिकट नहीं पाती है जेब पे टिकट आई शायद वो भी वो कम से कम भी पता क्या नहीं टिकट मिलने की खुशी इतना नहीं ये तो अभी जल्द सरप्राइज मिल रही है नहीं कुछ इलेक्शन कमीशन ने आईन से कानून जो अमल दरामद की थे उनकी इलेक्शन डेट अनाउंस की गई है लगता नहीं पे कुछ ढीले हुए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार है जो कि इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार है वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिए इंशाल्लाह रियाज का प्लान की पूरी टीम सारे प्रोफेशनल नवे तो बिल्कुल रेडी है और इंशाल्लाह तो नेक्स्ट वीक को कहना कहनी बिना पाए 3 अप्रैल को इलेक्शन थी दे या उदे बाद थी तो तैयार ही वे असर 3 अप्रैल को भी तैयार है अगर पहले भी थी ना पे 9 अप्रैल को सवाल भी तैयार है अच्छा कुछ खबर आया पेनो खबरें दे विच क्या सुको सदाकत है या कहना सर वो प्रॉपर घंटा है और 100% झूठ है सर हर वक्त तैयार है जेरे टाइम इलेक्शन थे तो सब तैयार करे इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम तैयार है सर पूरा सेफ तैयार है मॉड्यूल से सब तो सेफ ही याद काम कुछ कर रहे हैं क्या भाई अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल दा जिने आधे बैठे हुए आ कुछ मां घट 4 साल को लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 180 किलोमीटर रोड एक एक किलोमीटर मैं बंदा ना चीज दिखा सकता अपनी मोटरसाइकिल से होता है उस तो बाद तरक्की का सफर सीधा रुकता है इंशाल्लाह उठाओ दोबारा शुरू करे तो अल्लाह से कामयाबी नहीं थी उस तो बाद वही गल है कि अपना सारा प्रक्रिया जो काम की वो बेहतर ही अवाम बड़ी मेहरबान डॉक्टर साहब शुक्रिया।